करबला गम दा समुंदर है, करबला गम दा समुंदर है। कौसर नियाजी दा बेटा दुनिया तो टुर गया, बहुत ज्यादा तंग सन ते रोंदे सन। वो ही सियासी वारस सी, वो इलमी वारस सी। वो जब दुनिया तो टुर गया ते कौसर नियाजी अहले सुन्नत दे आलमे दीन सन और पीपल्स पार्टी के मजहबी अमूर के वजीर भी रह चुके सन। वो मजलसा चाहना शुरू हो गया। उन्होंने किसी आख्या कि मजलसा च क्यों जाते हो, शिया हो गया? उन्होंने आख्या नहीं होना चाहते। उस यार क्यों इतनी गल् कर दो, मैं मजलिस से जाना, सिर्फ मजलिस सुन। उन्होंने आख्या वजह दसो। उस पुत्र जवान से एक्सीडेंट ना दुनिया तो टुर गया, भुलता ही नहीं, भुलता ही नहीं। जिथे बहिंदा सा अगे आ जाता सी। जो किसी नौजवान एम पी ए खलोता वेख्या उदों जहन च आ गया, जिन्हें पी एच डी की, मेरा बड़ा पढ़िया लिखिया सी। पर पुत्र ते गूंगे नहीं भुलते, पुत्र ते मजदूर ते पागल नहीं भुलते। कह लगा पुत्र बड़ा जवान सी, पढ़िया लिखिया बड़ा सी, ओ ही मेरा सियासी वारस सी, ओ ही दुनिया तो टुर गया, मेरी दुनिया देर हो गई, भुलता ही नहीं सी। मैनू पुट्टो साहब आख्या कि ये बनेगा की, कुछ ना कुछ आसरा ऐसा कर, तेरे ना सानू सौ काम है, तू हर वेले इसे च गुम हो गया। वो मैनू किसे आख्या, दोस्त ने दसिया इको ही तरीका ही, मजलसा जाया कर शियां दी मजलसा। उन्हें आख्या जदों का जान लगा मैनू कदे याद ही नहीं आया, क्यों? उस आख्या एडे एडे सोने लोग मार छड़े। उस आख्या जिदन की मैं अली अकबर की शहादत सुननी शुरू की, उदन का मैनू अपना भुल गया। उस लफज फिर लिखा, उस आख्या नदी नाले ते दरिया गर्क हो जाते हैं समुंदर च जाके। समुंदर एडा वड्डा होंदा है, ना कोई उत्थे दरिया दिसदा है, ना कोई नदी दिसदी है, ना कोई नाला दिसदा है। उस आख्या मैं हिसाब लाया, करबला गम का वह समुंदर है, अपने गमां नू विच सुट दिओ, तुहानू अपने भुल जाणगे। मैं अज दियां जिहड़ियां सैयदजादियां ने जिन्हां दी वालदा टुर गई है, उन्हां अगे भी गुजारिश कर लगा इक्को ही गल, जे मैं सत्तां सत्तां भैणां दा एक एक भरा कतल हुंदा दुनिया तो जांदा वेख्या, ते सत्तां भैणां नू आलम दुआले खलो के आंदियां वेख्या, अकबर तो सोहणा तां नहीं सीगा। इहदा मतलब है साडे गम कित्थे गर्क हो सकदे ने। इह करबला आबाद रहो, इह मजलसां वी इसे वास्ते हुंदियां ने।